नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपके साथ विनय। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ कॉमन एरर कराऊंगा। कॉमन एरर, तो ये किस टॉपिक से संबंधित होंगी कॉमन एरर? ठीक, तो कॉमन एरर ये संबंधित होंगी आर्टिकल से। आर्टिकल संबंधित त्रुटि होगी सेंटेंस में, उसी को आपको करेक्ट करना है। ठीक, तो जैसे पहला सेंटेंस लिखा होगा वी आल, एग्जाम में आपकी इसी तरह से आता है। एसएससी जीडी होगा, ये कोई भी एग्जाम होगा, बैंक का होगा, इंडियन एयरफोर्स का होगा, जो अभी अग्निवीर की आई हुई है, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, सब के लिए, जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। तो इस तरह से लिखा जाता है वी आल। इसके बाद लिखा होता है, ऐसे स्लैश लगा होता है, मस्ट, फिर से स्लैश, रेस्पेक्ट। ए ऑनेस्ट पर्सन, स्लैश, और लास्ट में एक रहता है नो एरर का। तो इस पार्ट को दे दे नाम ए, इसको बी, इसको सी, और ये जो बाद में बचा नो एरर का, ये डी। तो आपको बताना है किस पार्ट में त्रुटि है। ठीक, तो ए बी सी और ये डी। अगर ये सेंटेंस पूरा यहां तक हो गया, पर्सन तक, अगर ये सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो नो एरर को टिक कर देंगे। अगर इसमें गलती होगी, यानी वी आर लिखा है तो इसमें क्या गलती है, मस्ट में क्या गलती है, रेस्पेक्ट में, तो जिस पार्ट में गलती होगी उसी को टिक कर देना है। तो आपको पहचानना है किसमें क्या गलती है। देखो ये लिखा है वी, बिल्कुल सही लिखा है, वी आर यानी हम सभी। अब मस्ट लिखा है तो कोई भी सब्जेक्ट होगा, उसके साथ कोई मॉडल्स आ सकती है। ये मस्ट क्या होती है, मॉडल, विल, शैल, कैन, कुड, मस्ट, ऑट, ये सब मॉडल। तो कोई भी सब्जेक्ट होगा तो कोई भी मॉडल आ जाएगा, यानी ये पार्ट और ये पार्ट सही लिखा है। इसके बाद लिखा है रेस्पेक्ट, तो मॉडल के बाद हमेशा कॉन्सेप्ट भी लिखते जाना। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मस्ट के बाद रेस्पेक्ट लिखा, ये भी बिल्कुल सही लिखा, यानी यहां तक सही हो गया। इसके आगे पढ़ते हैं, लिखा ए ऑनेस्ट पर्सन, तो ये एच ओ एन ई एस टी लिखा है, और पर्सन तो हमने बताया था आर्टिकल संबंधी कोई त्रुटि होगी, तो आर्टिकल कौन शब्द है, ए। तो आपको ये बाकी पढ़ना ही नहीं है, लेकिन अगर पेपर में आता है आपको तो उसमें ये तो लिख के आएगा नहीं कि आर्टिकल इसमें सही करो, या नाउन से संबंधित कोई गलती है उसको सही करो, या प्रोनाउन गलती है, आपको पहचानना पड़ेगा। तो इस वजह से पूरा पढ़ना है आपको। ठीक, तो इसमें हमने लिख ही दिया कि आर्टिकल संबंधी होगी त्रुटि, तो आपको जल्दी आंसर देना है, तो आर्टिकल ढूंढ लेना कहां पर है। तो अगर ये ए लिखा है, अगर इसके साथ ए आता होगा ये बिल्कुल सही लिखा है, अगर नहीं आता होगा तो इसी पार्ट में गलती होगी। तो एक शब्द लिखा है ऑनेस्ट, तो आर्टिकल देखो पहले किसके साथ आता है, तो आर्टिकल हमेशा आता है नाउन के लिए। किसके लिए, नाउन के लिए। अगर सेंटेंस में नाउन होगा तभी आर्टिकल आएगा, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। तो देखो ये लिखा है पर्सन, ये नाउन है, यानी कि इसमें आर्टिकल आना संभव है। लेकिन अब कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा कि एन आएगा या द आएगा, तो ये साउंड लेता है आर्टिकल अपने से बाद वाले का। अपने से बाद में कौन लिखा, इसके ऑनेस्ट, तो इसको पढ़ते हैं हॉनेस्ट, नहीं पढ़ते हैं, ये एच लिखा हुआ है लेकिन इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ऐसे पढ़ते हैं ऑनेस्ट। तो जब आ ई उ इससे कोई शब्द स्टार्ट होता है तो उससे पहले आर्टिकल एन आता है, क्या आता है, आर्टिकल एन आता है। अब आपको इसको डिटेल में पढ़ना है कि ए कहाँ यूज होता है, एन कब, तो हमने आर्टिकल की क्लास को भी अपलोड कर रखा है, तो आप हमारे चैनल पर जाइए और वीडियो को देखिए और लाइक भी कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो नहीं लगे तो कोई बात नहीं, इसको लाइक कर देना, लेकिन ये तो अच्छी लग रही होगी ना। तो ए ऑनेस्ट पर्सन लिखा, यानी ऑनेस्ट से पहले क्या आएगा, एन आएगा, तो इस पार्ट में त्रुटि थी, तो ये आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर। तो क्या लिख देंगे, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक, एन ऑनेस्ट पर्सन, ये सेंटेंस लिखा। अब इसी से संबंधित एक सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें बताना कौन सा सेंटेंस सही है। तो पहला लिखा हमने, जैसे लिखा राम इज ए ऑनेस्ट, दूसरा लिखा हमने राम इज एन ऑनेस्ट, और तीसरा लिखा हमने राम इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट। इसमें बताना है आपको कौन सा सेंटेंस सही है। तो अभी हमने बताया कि अगर आर्टिकल में नाउन होगा तो नाउन से पहले आर्टिकल आएगा। ठीक, तो ये आर्टिकल इसमें कौन है, ए और एन, इसमें तो आर्टिकल ही नहीं है। तो देखो ए के बाद क्या नाउन आया है, तो आप बचपन से ही पढ़ते आए होंगे कि ऑनेस्ट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, नाउन तो है ना, यानी कि आर्टिकल तो नहीं आएगा।
इसमें भी देखो एन के बाद नाउन नहीं है, आर्टिकल ये एडजेक्टिव लिखा है तो इसलिए भी एन नहीं आएगा। तो जब नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, तो इसमें नाउन नहीं तो आर्टिकल भी नहीं, तो कौन सा सही होगा? तीसरा नंबर सही हो गया। तो राम इज ऑनेस्ट, जबकि आप पढ़ते हैं होंगे कि राम इज एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, तो एन ऑनेस्ट कब आता है? जब ऑनेस्ट के बाद में कोई नाउन लिखा हो, यानी नाउन से पहले ही आर्टिकल आता है, नाउन के लिए ही आर्टिकल आता है। अगर नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसको इस बात को आपको समझ लेना है। तो राम इज ऑनेस्ट सही होगा। तो क्या सेंटेंस था? वी ऑल मस्ट रेस्पेक्ट एन ऑनेस्ट पर्सन। तो आप सी नंबर को टिक कर लेंगे, ठीक, समझ गए, लिख लीजिए इसको, ये कॉन्सेप्ट। तो आर्टिकल प्लस नाउन, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, एच साइलेंट रहता है, ठीक। अगला सेंटेंस लिखते हैं इसके बाद, अगला सेंटेंस बताना है। ये भी आर्टिकल संबंधी ही, इसमें त्रुटि होगी, गलती होगी कोई, तो लिखा होगा माई फादर डज नॉट गो टू द सिटी ऑन द फुट, और लास्ट में आपके पास रहेगा नो एरर का, कोई गलती नहीं का। तो इसको चार भागों में बांट लें, तो माई फादर, ये डज नॉट हो गया इतना, इसके बाद सिटी तक, और ये हो गया, और ये लास्ट में बचा, तो इसको ए, इसको बी मान लिया, ये सी हो गया, और ये पार्ट हो गया डी। तो आपको बताना है ए पार्ट में गलती है कि बी पार्ट में गलती है, या सी में है या डी में है। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, किस में गलती होगी? आर्टिकल में गलती होगी, तो पहचान लो कौन सा शब्द आर्टिकल है। तो एक तो ये मिला दा, दूसरा ये दा मिला, इन्हीं दोनों का पढ़ना है हमको, तो इन्हीं दोनों में कोई ना कोई गलती होगी। तो लिखा है माई फादर डज नॉट, इसको तो पढ़ना नहीं है, तो इसे सही है, लेकिन पढ़ लेते हैं। माई फादर सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर वर्ब आ गई, डज प्लूरल होते हो तो डू लिखते, तो माई फादर डज नॉट, अब गो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू द सिटी, बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंगुलर कॉमन नाउन होता है, कौन सा? सिंगुलर कॉमन नाउन, लिखते जाना साथ में, सिंगुलर कॉमन नाउन, इसके साथ में आर्टिकल ए या फिर द, कौन सा? सिंगुलर कॉमन नाउन, इससे पहले आर्टिकल 100% आना है, तो सिटी शब्द सिंगुलर कॉमन नाउन होता है। अब ये नाउन पहचानना भी आपको आना चाहिए, कौन सिंगुलर कॉमन नाउन है, कौन प्रॉपर नाउन है, कौन कलेक्टिव नाउन। तो हमने नाउन भी चैप्टर पढ़ा रखा है, ठीक, तो आप उसको भी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आप चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, तो आपके पास वीडियो आती जाएंगी, ठीक। तो माई फादर डज नॉट गो टू द सिटी, यहां तक बिल्कुल सही है, लिखा है ऑन द फुट। तो ये कुछ होते हैं फ्रेज, यानी शब्दांश, तो उनके साथ बीच में आर्टिकल नहीं आता है। जैसे लिखा है ऑन द फुट, तो ऑन द फुट नहीं होता है, एक शब्द होता है ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, क्या होता है? पैदल, तो ऑन द फुट नहीं होता है, तो बीच में द नहीं आएगा, तो यानी कि इस पार्ट में गलती हो गई, ये द शब्द नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? माई फादर डज नॉट गो टू द सिटी ऑन फुट, तो ऑन फुट सही हो जाएगा, द का यूज नहीं करते। इसी तरह से एक और कंसेप्ट इसी के साथ जोड़ लेते हैं, जैसे लिखा होगा बाई, इसके बाद कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात का साधन हो गया, जैसे कार, बस, टेम्पो, ऑटो, ट्रेन, कुछ भी, तो बाई के साथ में बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक। जैसे लिखा होगा बाई बस, तो बाई बस सही होगा, लेकिन अगर लिखा होगा बाई ए बस, तो ये बाई ए बस गलत लिखा होगा, क्या लिखा होगा? बाई बस सही होगा, ठीक। तो ऐसे ये भी है, तो ऑन फुट सही होगा, ऑन द फुट नहीं होता है, तो माई फादर डज नॉट गो टू द सिटी ऑन फुट, ठीक, इसको भी लिख लीजिए। फिर अगला लिखते हैं, लिखते जाइए। लिखिए अगला, हाँ, तो अगला लिखा हमने ही गोज टू द बेड
एट नाइट, एट नाइट, और लास्ट में लिख दिया नो एरर, नो एरर, कोई गलती नहीं है। इसको बांट लिया ही गोज, इसके बाद लिख दिया बेड और एट नाइट, तो इसको ए, इस पार्ट को बी, इसको सी और इसको डी मान लिया। अब आपको बताना है किस पार्ट में गलती है, कौन सा सेंटेंस गलत लिखा हो, यानी कौन सा शब्द में गलती है। तो लिखा ही गोज टू द बेड एट नाइट, तो आपको पहले ही पता चल गया होगा कि आर्टिकल से संबंधित ही कोई गलती होगी, बीच में कोई गलती होगी नहीं। तो आप लोग भी इतना होशियार होंगे कि आर्टिकल ही देखेंगे कहाँ लिखा है। तो ये द सिर्फ आर्टिकल लिखा, ए एन तो कहीं है ही नहीं, तो द ही एक ही जगह है, तो इसी में कहीं ना कहीं गलती होगी, या तो ये सही लिखा होगा या तो गलत लिखा होगा, या द के बदले में कोई दूसरा आएगा, बस यही होगा। ठीक, तो ही गोज, फिर भी हम बताया दे रहे हैं कि मान लो अगर लिख के तो आएगा नहीं कि आर्टिकल संबंधी त्रुटि है या नाउन संबंधी है या सिंगुलर से प्लूरल बनाइए या कुछ भी करिए। तो लिखा ही सिंगुलर होता है, गोज सिंगुलर वर्ब है, तो ही गोज बिल्कुल सही लिखा है, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही लिखा है। टू द बेड एट नाइट, तो एट नाइट एट डे, तो डे नाइट से पहले एट आता है, तो ये भी सही लिखा है और ये भी सही लिखा है, नो एरर। तो अब बताना है ये इस पार्ट में अगर गलती होगी तो सही होगा, सॉरी ये इस पार्ट में अगर गलती होगी तो ये ऑप्शन सही होगा, अगर गलती नहीं होगी तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो एक शब्द आता है इसे पढ़ना है आपको, परपज। परपज शब्द क्या होता है, तो कोई चीजें होती हैं, कोई नहीं कोई भी वस्तुएं होती हैं, ठीक, वो किसी खास पर्पज, किसी खास उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं। जैसे स्कूल बनाया जाता है पढ़ने और पढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल बनाया जाता है इलाज करने और इलाज करवाने के लिए, मार्केट बनाई जाती है सामान खरीदने और बेचने के लिए, है ना। जेल किसके लिए बनवाई जाती है, कैदी को रखने के लिए उसमें। तो ये कुछ विशेष चीजें होती हैं, इनका पर्पज ही होता है कि इसीलिए बनाई गई है, तो इसीलिए इसी में आता है आपका बेड। तो बेड किस लिए बनाया जाता है, तो बेड बनाया जाता है सोने के लिए। ठीक, तो अगर जो चीज जिसके लिए बनी है तो वो होता है प्राइमरी पर्पज। क्या होता है, प्राइमरी पर्पज, इसका प्राथमिक उद्देश्य यही है, प्राइमरी पर्पज। और अगर उसमें दूसरा कोई काम करेंगे तो वो बन जाएगा सेकेंडरी पर्पज। क्या बन जाएगा, सेकेंडरी पर्पज, यानी द्वितीयक उद्देश्य, सेकेंडरी पर्पज। तो कोई चीज अगर प्राइमरी पर्पज में यूज होगी, तो उसके साथ में नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं। अगर सेकेंडरी पर्पज होगा तो उसके साथ द आर्टिकल आ जाएगा, क्या हो गया, द आर्टिकल का यूज करेंगे, यानी द आर्टिकल इज यूज्ड, तो उसके साथ द आर्टिकल का यूज करना है, किसके साथ, जब कोई चीज सेकेंडरी पर्पज में यूज होगी। अगर प्राइमरी पर्पज में यूज होगी, अब ये पर्पज भी बताया कि क्या होता है, तो जो चीज जिसके लिए बनी है अगर वही काम होगा तो प्राइमरी पर्पज, उसके लिए कोई आर्टिकल नहीं। अगर जो चीज जिसके लिए बनी है उसके अलावा दूसरा काम करते हैं उसमें जाके, तो सेकेंडरी पर्पज, उसके लिए आर्टिकल द लिखना पड़ेगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो जैसे लिखा इसमें बेड, तो बेड बना है सोने के लिए, तो इसको पढ़ के देख लीजिए, अगर ये सोने के लिए यूज होगा तो कोई आर्टिकल नहीं, अगर ये दूसरा कोई काम कर रहा होगा तो द लिखना पड़ेगा। लिखा ही गोज, वह जाता है टू द बेड, बेड में, एट नाइट रात में, तो रात में अगर कोई जाएगा बेड में तो सोने के लिए ही जाएगा, है ना, तो ही गोज टू द बेड एट नाइट, यानी कि सोने के लिए जा रहा है, तो बेड किस लिए बना है, सोने के लिए, तो यानी कि प्राइमरी पर्पज के लिए यूज हुआ। तो प्राइमरी पर्पज क्या बताया, नो आर्टिकल, यानी द आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ही गोज टू बेड एट नाइट, ये लिखना है आपको। इसी तरह हमने एक और सेंटेंस लिखा नीचे, जैसे लिखा ही गोज टू स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड, ही गोज टू स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड, यानी ही गोज, वह जाता है टू स्कूल, स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड, अपने मित्र से मिलने, तो ये जा रहा है मित्र से मिलने। तो स्कूल हमने किस लिए बताया, किस लिए यूज होता है, स्कूल किस लिए बनाया गया, स्कूल बनाया गया पढ़ने और पढ़ाने के लिए, और ये किस लिए जा रहा है, मित्र से मिलने, तो क्या स्कूल मित्र से मिलने की जगह होती है, नहीं होती ना, तो इसलिए इसमें स्कूल से पहले आर्टिकल द लिखना पड़ेगा, अगर सिर्फ स्कूल लिखा होगा तो गलत माना जाएगा, तो इसलिए इसके बीच में द लिखना पड़ेगा तब ये सही हो जाएगा। तो ही गोज टू द स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड। अब आई होप, यानी मैं समझ गया होगा कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, मैं भी समझ गया होगा कि आपको समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए इसको, इस बात को लिख लीजिए,
ये कई जगह यूज होने वाला है। इसी तरह आएगा बेड, आएगा स्कूल बता दिया हमने, हॉस्पिटल शब्द लिखा होगा लिख लीजिए कुछ, जेल शब्द लिखा होगा, मार्केट लिखा होगा, ठीक। इनसे पहले आर्टिकल का यूज कब करना है कब नहीं करना है तो अभी हमने बता दिया। तो जिस जिसके लिए बना है उसके लिए कोई आर्टिकल नहीं, दूसरा कोई काम करोगे तो आर्टिकल द लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक। तो आपको मैं डेली डेली ऐसे 4-5 क्वेश्चन करवाता रहूंगा, ठीक, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं ना, ही लाइक करते हैं तो मन भी नहीं लगता है। जब कोई कार्य करता है तो उसको एक्साइट करना पड़ता है, यानी उत्साहित करना पड़ता है, तब तो कोई आदमी कोई काम कर पाता है ना। आप लोग वो काम कर नहीं रहे। चौथा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ए सन इज शाइनिंग ब्राइटली ब्राइटली अबाउट द हॉरिजन, और लास्ट में आपको मिल जाएगा नो एरर का ऑप्शन, नो एरर यानी कोई गलती नहीं। तो लिखा है ए सन इज शाइनिंग ब्राइटली अबाउट द हॉरिजन नो एरर, ठीक। तो आपको हिंदी निकालने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको इंग्लिश में ही बता देना है कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है। आर्टिकल संबंधित हो तो एक तो ये आर्टिकल है, दूसरा ये, इन्हीं दोनों में से कोई सही होगा कोई गलत होगा, और एक ही गलत होगा क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही गलती पाई जाएगी, है ना। तो ए सन इतना हो गया, ये 4 पार्ट हो गए इसके, तो ए बी सी और ये बचा आपका डी। इसमें बताना है कहां पर गलती है कहां पर नहीं है। तो हम आपको बता दें इस एग्जाम्पल से पहले, जो हेवनली बॉडीज होती हैं यानी भौगोलिक, जो शब्द आप भूगोल यानी ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, सन आ गया, क्लाउड आ गया, स्काई आ गया, हॉरिजन हो गया, है ना, ये आप पढ़ते होंगे, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आप पढ़े होंगे। तो जो ज्योग्राफी से संबंधित वर्ड होते हैं उनसे पहले आर्टिकल द लिखा जाता है, ऐसे आप समझ लीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक। तो उनसे पहले कौन सा आर्टिकल लिखना है? आर्टिकल द, या फिर ये समझ लीजिए जो दुनिया में एक है, दुनिया में एक है उससे पहले आर्टिकल द लिखा जाता है, ऐसे आप समझ लीजिए। तो दोनों बातें हैं, कैसी? पहली हेवनली बॉडीज की यानी भौगोलिक कोई पिंड होगा, सन स्काई मून, इनसे सब पहले आर्टिकल द यूज होगा, या फिर कोई दुनिया में एक होगा उसके पहले भी आर्टिकल द यूज होगा, ठीक। तो अब आप समझ गए होंगे तो लिख लीजिए द का यूज कहाँ करते हैं? द का यूज करते हैं हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज यानी भौगोलिक पिंड, हिंदी में बोले तो भौगोलिक पिंड कौन कौन से होंगे? तो सन मून स्काई क्लाउड और कौन बचा? सन मून स्काई क्लाउड अर्थ हॉरिजन, ये आप पढ़ते होंगे है ना, वर्टिकल, या फिर आप पढ़ते होंगे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, इनसे पहले आर्टिकल द यूज करना है। तो अब देख लो कौन सा शब्द लिखा हुआ है इसमें, लिखा है ए सन और ये लिखा है द हॉरिजन, तो यानी हॉरिजन से पहले द तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इस ये लिखा है ए सन, तो सन से पहले अभी हमने क्या बताया? द लिखा जाएगा, तो लिख लीजिए द, THE द। अब इसी पार्ट में हो गई गलती, तो आपका ए ऑप्शन हो गया बिल्कुल सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। तो द सन इज शाइनिंग ब्राइटली अबाउट द हॉरिजन, नो एरर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गलती हो गई, अगर गलती नहीं होगी तो नो एरर में टिक कर देना है, ठीक। लिख लीजिए इसको जल्दी से, तो इस बात को लिख लीजिए कि द का यूज कहां करते हैं? हेवनली बॉडीज, सन मून स्काई क्लाउड अर्थ हॉरिजन वर्टिकल लेटिट्यूड, ठीक। तो आई होप मैं समझ गया होगा कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, ठीक। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।